आज हम इस भाई की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस भाई को वेरिकोस वेन्स नाम की भयानक जानलेवा बीमारी से आज़ाद करके इन्हें चंगाई दी। तो आइए सुनते हैं इनकी अमेजिंग टेस्टिमनी को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित है, मैं मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही आज देने जा रहा हूँ। 2017 में मेरे पैर में एक जख्म हुआ और उसके बाद में मैंने उसे उतना वो नहीं लिया। जख्म हुआ उसके बाद में वो जख्म पे कुछ ऐसा घरेलू इलाज करके उसको देखते रहे। फिर उसके बाद में उसके बाजू में एक और जख्म हो गया, फिर उसके बाजू में एक और ज़्यादा जख्म हो गया। तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। तो मैंने डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने मेरे को इसमें लगाने के लिए ट्यूब दिए, उसको धोने के लिए डिटॉल दिया और उससे साफ़ करने के लिए कि इसको साफ़ रखो और उसके बाद में इसमें दवाइयाँ वगैरह लगाओ। तो वो दवाइयाँ लगाने से भी उस पर असर नहीं हो रहा था। ऐसा करते करते 1.5 महीने 2 महीने समथिंग 3 महीना ऐसा गुजरा। उसके बाद में ये लेफ्ट पैर से होके राइट पैर पर ये जख्म आ गए मेरे को। ये जख्म में जब मैंने ध्यान दिया तो ये नसों में मेरे गांठें पड़ी हुई थी। वो गांठों में ऐसे गड्ढे जैसे पड़ने लगे वो जख्मों से। ये जख्म जब मेरे पैरों में हुए इस समय में मैं अपने दिनचर्या में इतना ज़्यादा प्रभावित रहता था इन सब सारी बातों से कि क्या होता था जब मैं चेयर पर बैठता था तो अपने पैरों को बेंच में ऐसा पीछे छुपाकर मेरे को बैठना पड़ता था क्योंकि मेरे मतलब पैरों से जो होता था कि ब्लड निकलता था, पानी निकलता था, पस निकलता था, तो उससे मेरे पैंट गीले हो जाते थे और मैं बाहर जाने से अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल करता था कि मैं ज़्यादा बाहर ना जाऊँ। मेरे जो काम था वो भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पर करने की कोशिश करता था। बच्चे और मेरी वाइफ है और बच्चा है तो वो मैं खुद नहीं चाहता था। क्यों क्या होता था कि मेरे पैरों से जो जख्म जो हो चुके थे उसमें से गंद आती थी, उसमें से गंदगी निकलती थी। मैं खुद अपने बच्चे को अपने साथ में ज़्यादा वो नहीं करता था और मेरी पत्नी जब मेरे को तकलीफ होती थी तो वो मेरा भी मैं ऐसा था कि मैं रो के भी नहीं रो सकता था उनके सामने। इस सब के दौरान मैंने फैसला किया कि अब बड़े स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर इसका पता करा जाए कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब मैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास में गया तो उस समय पे मेरे राइट पैर की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि उसमें इतना ज़्यादा सूजन आ गया था कि जब वो डॉक्टर ने मेरा सिटी स्कैन वगैरह करवाया नसों का तो तब उन्होंने मेरे को इस रोग का एक नाम बताया कि ये वेरिकोस वेन्स नाम का एक रोग है, लेकिन अभी ये इसकी जो कंडीशन आपके राइट पैर में है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम इसको अभी ऑपरेट अगर नहीं करेंगे तो ये एक बड़ा पॉइजन हो जाएगा जो ये आपके दोनों पैरों में होगा क्योंकि जख्म आपके दोनों पैरों में है और ये इस रीति से बढ़ जाएगा कि आपके दोनों पैरों को काटना पड़ेगा। मेरे दोनों पैरों में इतने जख्म हो चुके थे, सूजन बढ़ रही थी पैरों में और डॉक्टर ने ऐसा बता दिया था। मुझे ना चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी और डॉक्टर ने जब मेरे को बता दिया कि इसका हल या तो ऑपरेट है या तो आपको पैर को कटवाना ही पड़ेगा, ये एक हल डॉक्टर ने लास्ट मेरे को दे दिया था। इस रोग की वजह से मुझे नहाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मुझे पन्नियाँ पहनकर दोनों राइट पैर में लेफ्ट पैर में पन्नियों को पहनकर नहाना पड़ता था क्योंकि क्या साबुन उसमें ना लग जाए या मतलब उसमें किसी प्रकार से पानी ना चला जाए। पानी चला जाता था तो जलन इतनी तकलीफ़ देती थी। इस रोग के कारण मेरे पैंट जो होते थे, कपड़े वगैरह, वो जख्मों में चिपक जाते थे तो उनको निकालने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि मेरे को पानी से एलर्जी होने के बावजूद भी कि इन जख्मों में डाल के तो वो जब चिपक जाते थे तो मेरे को गर्म पानी उसमें डालना पड़ता था। इतना तकलीफ़ उस समय पर होता था कि जब ये कपड़े चिपक जाते थे। इस रोग की वजह से मैंने अपने छिंदवाड़ा शहर के कम 5-7 डॉक्टरों के पास में मैं गया, फिर स्पेशलिस्ट तक पहुंचने में ये सब मैंने इलाज में कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार का कहीं से कोई रिलीफ डॉक्टरी दवाइयों से नहीं मिल पाया। ऐसे ही समय बीतते जा रहा था, मुझे मेडिसिनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मेरे जख्म बढ़ते जा रहे थे, मेरे पैर गलने लगे थे और वो जो गड्ढे थे वो बड़े होते जा रहे थे और ये इसी समय में साल दर साल गुजरते जा रहा था और मैं इसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था। इन्हीं तकलीफ़ों में रहकर मैं अपने जीवन को जी रहा था।
जब मैं एक दिन घर पर अपने मोबाइल पे सर्च कर रहा था यूट्यूब पर कि इस बीमारी का कोई हल मुझे मिल जाए, तो अचानक से मेरे सामने में अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की मीटिंग आई। उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जब गवाहियों को देखा वहाँ पर, मेरा विश्वास बढ़ा कि मैं भी हील हो जाऊँगा। ये गवाहियों को देख के मेरा विश्वास बढ़ा। फिर मैं खामरा चर्च के साथ जुड़ा रहा और लगातार मीटिंगों को अटेंड करते रहा। फिर जब मैं 7 अगस्त 2022 को खामरा चर्च में मीटिंग अटेंड करने के लिए आया तो परमेश्वर के दास ने कहा कि अपनी बॉडी पर हाथ रखो, ऑयल को अप्लाई करो। अपनी बॉडी पे हाथ रखेंगे और ऑयल के साथ प्रार्थना किए बिना कोई वापस नहीं जाएगा। ऑफिस से ऑयल लेके आओ, ऑयल से प्रार्थना करवाओ, वापस जाओ और गवाही के साथ आओ। आप ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं, ब्लेस्ड हैं यीशु के नाम। जैसे ही मैंने उस अभिषिक्त ऑयल को अपनी टांगों पर अप्लाई किया, उसके बाद में मेरे पैरों से इतना ब्लड निकला कि जितना कभी नहीं निकला था। उस ब्लड के द्वारा मेरी सारी बीमारी बाहर निकल गई। उस मीटिंग के बाद जब मैं घर गया, मेरी रिकवरी होना शुरू हो गई, मेरे जख्म ठीक होना शुरू हो गए, वो जो नसों में क्लॉट थे वो ठीक होना चालू हो गए, और अब मैं इस वेरिकोस वेन्स के जो रोग है उससे बिल्कुल पूरी तरह आज़ाद हूँ। ना मेरे पैरों से अब जख्म है, उसमें ना ब्लड बहता है, ना पानी बहता है, ना पस बहता है, और मेरी नसों में भी अब क्लॉट नहीं है। मैं पूर्ण रीति से चंगा हो चुका हूँ, मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब मुझे ना कपड़े पहनने में कोई दिक्कत होती है, ना तो मुझे जूते पहनने में कोई दिक्कत होती है, किसी भी ना नहाने में दिक्कत होती है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई दर्द, कोई सूजन, कोई प्रॉब्लम मेरे जीवन में नहीं है, और अब मैं अच्छी रीति से अपने जॉब पर जाता हूँ, अपने काम पर जाता हूँ और वापस आता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। जब जिन डॉक्टरों के पास मैं इलाज करवाने के लिए जाता था, उन्होंने मेरे पैर को पहले भी देखे थे, और जब मैं हील नहीं हो पा रहा था, मेरे पैर सूजे हुए रहते थे, और उसके बाद जब पैर हील जब हो चुके थे मेरे पैर, उनके पास में गया तो डॉक्टर खुद शॉक्ड हो गए, ये पैर कैसे ठीक हो गए। जबकि डॉक्टर मेरे को दवाएं देते थे, गोलियां देते थे, ट्यूब देते थे, तब तक कुछ नहीं हो पाता था। अब मेरे पैर बिल्कुल हील हो चुके हैं तो डॉक्टर खुद शॉक्ड हैं कि ये कैसे ठीक हो गया। तब मैं उन्हें बताता हूँ कि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया है, अभी मैं खुश हूँ और मेरा परिवार भी मेरे साथ बहुत खुश है। जो लोग इस तरीके किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जो बेड पर हैं, जो पलंग पर हैं, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी रोग बड़ा नहीं है, कोई भी बीमारी उसके लिए बड़ी नहीं है। वो सब कुछ हील कर सकता, वो सब कुछ चंगा कर सकता। मेरा विश्वास है कि जिस तरह उस परमेश्वर ने मुझे उस लाइलाज बीमारी से चंगा किया, वो आप लोगों को भी भला चंगा स्वस्थ कर सकता है।